मीराबाई हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा में अपना विशेष स्थान रखती है। उन्होंने कांता भाव की भक्ति की है। उनके उपालम्ब संबंधी एक पद की व्याख्या हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। पद इस प्रकार है, देखा माई हरि मन काठ किया, देखा माई हरि मन काठ किया, आवण कह गई अजान आया, कर्म मारे कोल गया, खाना पाना सुधबुध सब बिसरिया, काई महारा प्राण जिया, थारो कोल विरद जग थारो थे कोई बिसर गया, मीरा के प्रभु गिरधर नागर थे विन फटा हिया। एक छोटा सा पद है, रागसोठा में लिखा गया पद है और उसमें मीरा श्री कृष्ण ने उनसे आने के लिए कहा था ऐसा उनका अनुभव है, परंतु श्री कृष्ण के आने की अनुभूति उन्हें नहीं होती है और उस अनुभूति की अपेक्षा में एक तरह से उपालम्ब दे रही है यहाँ मीरा श्री कृष्ण को। उपालम्ब किसे कहते हैं ये बात भी सामने आती है, तो उपालम्ब का अर्थ होता है उल्हाना, अर्थात जब प्रेम में किसी को उल्हाना दिया जाता है, प्रेम भरी शिकायत जब किसी से की जाती है तो वह उल्हाना या उपालम्ब कहलाती है। उपालम्ब किसे कहते हैं इस तरह का प्रश्न आपके आ सकता है, एक छोटा प्रश्न के रूप में पूछा जाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए। हम पद की व्याख्या को यहाँ पर देख रहे हैं, देखा माई हरि मन काठ किया, माई देखो तो सही, अपनी माँ से कह रही है वो। जब हम कोई भी शिकायत करते हैं तो किसी की शिकायत किसी दूसरे से करते हैं, इस तरह से यहाँ वो अपनी माँ से जैसे कह रही है संबोधित करके, हरि मन काठ किया, हरि ने मन अर्थात मन काठ किया, अपना मन को काठ बना लिया है अर्थात कठोर बना लिया है। क्यों कठोर बना लिया है उसका कारण भी बताती हैं वो, आवण कह गया अजान आया, आवण कह गया मुझसे, वो कहकर गए थे कि तुमसे मिलने आऊँगा, अजान आया परंतु आज भी न मतलब नहीं आए हैं, कर महारे कोल गया, जबकि वह करके गए थे महाने अर्थात मुझसे, कोल अर्थात प्रतिज्ञा, मुझसे ये वचन देकर गए थे, मुझे ये प्रतिज्ञा करके गए थे, मुझसे विश्वास दिलाकर गए थे कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा, परंतु वह मिलने नहीं आए। परिणाम स्वरूप उनकी क्या स्थिति हो रही है, मीरा की दशा कैसी है, इस बात का वर्णन मीरा अगली पंक्ति में करती हैं। खाना पाना सुधबुध सब बिसरिया, श्री कृष्ण नहीं आए और मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, परिणाम स्वरूप विरह के कारण खाना पाना, मेरा खाना पाना अर्थात पीना, सुधबुध सब बिसरिया, सुधबुध जो मेरी विचार शक्ति थी, सोचने समझने की कार्य करने की शक्ति थी, वह सब बिसर गई है, उस सबको मैं भूल गई हूँ, काई मारो प्राण जिया, अब बताओ तो सही मेरा प्राण किस तरह से जीवित रह सकता है, अर्थात मुझे लगता है कि मेरा जीवन श्री कृष्ण के वियोग में समाप्त हो जाएगा। थारो कोल विरद जग थारो, अब मीरा तो एक सामान्य सी स्त्री है और भगवान तो भगवान है, ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण को वह याद दिलाती है, हमें सूर का पद याद आता है जब सूर ने भी इस तरह की बात कही थी कि तुम्हारा व्रत है और मेरे व्रत तुम्हारा है अर्थात तुम्हारा यश है और मैं सबसे ज़्यादा पापी हूँ, अब जब तक आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे जब तक आपका व्रत सुरक्षित कैसे रहेगा। ठीक ऐसी ही कुछ बात यहाँ पर मीरा के द्वारा भी कही जा रही है, थारो कोल कोल अर्थात प्रतिज्ञा वचन, वचन भी आपने ही दिया था कि आऊँगा, विरद जग थारो और इस संसार में विरद अर्थात यश भी आपका ही है कि आप जो वचन देते हैं वह निभाते हैं, तो यदि मुझे आपने वचन दिया था तो निभाना था, नहीं तो आपके ही यश को के लिए बुरी बात होगी अर्थात आपको यश मिलेगा, थे काई बिसर गया, क्या आप इस बात को भूल गए हैं, ऐसा तो नहीं हुआ है कि आप जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात वो कहना चाहती, मुझे लगता है कि आपने जो मुझसे प्रतिज्ञा की थी वचन दिया था वह आप भूल चुके हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, इसलिए मीरा यह कहती है कि मीरा के तो प्रभु स्वामी गिरी को धारण करने वाले नगर के चतुर व्यक्ति श्री कृष्ण ही है, थे बिन फटाहिया और तुम्हारे बिना मेरा हृदय फट रहा है, अर्थात मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मुझे लगता है जैसे कि
मेरा हृदय ही फट जाएगा और मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से श्री कृष्ण से आने के लिए वह यहाँ पर प्रार्थना करती हुई दिखलाई देती हैं। उनका एक पद विरह यातना से संबंधित भी हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है। दो पद हैं और दोनों पद छोटे छोटे हैं, हम उनको भी साथ में यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। हेरी महा तो दर्द दीवाना, महारा दर्द न जाना कोई, घायल रीगत घायल जानिया हिवड़ो अगण संजोय, जोहर की गत जोहर जानिया क्या जानिया जिन खोए, दर्द की मारिया दर दर डोलिया वेद मिल्याना कोई, मीरा रो प्रभु पीर मिटांगा जब वेद सांवरो होए। मीरा यहाँ कहती हेरी महा तो दर्द दीवाना, वो कह अपने सखी को कह रही हेरी हरी संबोधित है, महा तो अर्थात में तो दर्द दीवाना, दर्द की दीवानी हो गई हूँ, अर्थात पूरी तरह से दर्द में ही जैसे डूब गई हूँ और अब मुझे दर्द ही अच्छा लगता है, श्री कृष्ण के विरह में डूबे रहना ही मुझे अच्छा लगने लगा है। महाराज दर्द न जाना कोई, परंतु मेरे दर्द मेरे पीड़ा को आज तक किसी ने भी नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है इसका कारण भी वह यहाँ बताती है, घायल रीगत घायल जानिया, क्योंकि जो व्यक्ति घायल होता है वही घायल की गति को जान सकता है। जिसने कभी घायल होकर दर्द सहा है उसे ही दूसरे घायल को देखकर उसके दर्द का एहसास होता है। ही उड़ो अगण संजोय, वो कहते मेरे हृदय में तो अगण संजोय अर्थात विरह की अग्नि संजोई हुई है, विद्यमान है और उससे मैं लगातार जलती रहती हूँ। जोहर की गत जोहरी जानिया, आगे वह कहती है जोहर अर्थात जो हीरे जवाहरत है मूल्यवान वस्तु है उसकी गत उसका मूल्य जोहर ही जानिया, जोहरी ही जान सकता है, जो उसको जानकार है वही उसका मूल्य जान सकता है। इसी तरह से जिसने भगवान की भक्ति की है, जो भगवान के विरह की पीड़ा को जो झेल चुका है वही मेरा पीड़ा समझ सकता है, और क्योंकि इस तरह का व्यक्ति यहाँ आसपास कोई नहीं है इसलिए कोई मेरी पीड़ा नहीं समझ पा रहा है। क्या जाना जिन खोए, और जिसने कभी कुछ खोया ही नहीं है वह क्या जान सकता है, कैसे जान सकता है कि कुछ खोने पर कैसा लगता है, या जिसके पास कुछ है ही नहीं उसे खोने की पीड़ा कैसे महसूस हो सकती है। दर्द की मारिया दर दर डोलिया, वो कहती मैं तो श्री कृष्ण के विरह के कारण उत्पन्न दर्द में मरी हुई हूँ, अर्थात उससे भेदी हुई हूँ, उससे इतनी ज्यादा परेशान हूँ कि दर दर डोलिया, मुझे एक जगह चैन नहीं पड़ता, एक जगह शांति नहीं मिलती और मैं दर दर इधर उधर डोलती फिरती हूँ, ढूंढती फिरती हूँ श्री कृष्ण को कि कहीं तो श्री कृष्ण मिल जाएंगे, वेद मिलाना कोई, परंतु मुझे न तो श्री कृष्ण मिले और न ही कोई वेद मिलाया, अर्थात नहीं इसकी कोई दवा देने वाला मिला है जिससे मुझे कुछ शांति प्राप्त हो सके। मेरा री प्रभु पीर मिटेगा, मेरा कहती है कि मेरी ये पीड़ा तो तब मिटेगी जब वेद सांवरो होए, जब वेद बनकर इलाज करने वाला बनकर सांवरो अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे समीप आ जाएंगे। इस तरह से श्री कृष्ण को वह अपने पास वेद बनकर बुलाना चाहती है और अपनी पीड़ा को समाप्त करने का आग्रह करती है। ऐसा ही एक छोटा सा पद और है जिसकी व्याख्या हम साथ में देखते हैं। पतिया में कैसे लिखूं, लिखियोरी न जाए, कलम धरत मेरे कर कपत है, नैन रहे झड़लाए, बात कहूं तो कहत न आवे, जीव रहे डर राय, विपत हमारी देख तुम चाले, कैया हरी जी सुजाए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण ही कमल रखाए। यहाँ पर मीरा कहती है कि मैं यदि श्री कृष्ण को पत्र लिखना चाहूँ तो किस तरह से पत्र लिखूँ, क्योंकि उसे पत्र लिखते नहीं बन रहा है, और इस बात को ही उन्होंने यहाँ पर अभिव्यक्ति दी है। और वह यहाँ कह रही है पतिया में कैसे लिखूँ, लिखियो न जाए, लिखियो री अर्थात लिखा ही नहीं जाता है, पतिया मैं कैसे लिखूं, मैं श्री कृष्ण को पत्र लिखने की सोचती हूँ पर मुझसे पत्र लिखते नहीं बनता है, कलम धरत मेरो कर कपत है, क्योंकि जैसे ही मैं कलम को धारण करती हूँ पकड़ती हूँ वैसे ही मेरा हाथ कांपने लगता है, नैन रहे झड़लाए और नेत्रों से झड़ी लग जाती है अर्थात नेत्र धारा प्रवाह अश्रु प्रवाहित करने लगते
लगते, बात कहूँ तो कहत न आवे, और मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ तो वह मुझसे कहते नहीं। बनता है अर्थात अपने हृदय की पीड़ा को मैं किस रूप में अभिव्यक्त करूँ, मुझे उसके लिए शब्द ही नहीं मिलते हैं। जीव रहो डर रहा है, मेरा जीव डरा रहता है, अर्थात मुझे मेरे हृदय में दर्द ही महसूस होता रहता है। विपत हमारी देख तुम चाले, इसलिए वह पथिक से कहते हैं कि तुम, हमने जो स्थिति है हमारी है, उस स्थिति को तुमने देख लिया है। विपत मुझ पर कितनी विपत्ति है, मैं कितना परेशान हूँ, इस चीज को तुमने प्रत्यक्ष देख लिया है, और देखकर तुम जा रहे हो, कहिया हरि सो जाए। इसलिए जब तुम श्री कृष्ण से मिलो तो मेरी स्थिति जाकर उनसे अपने अनुसार कह देना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वापस वह अपनी पंक्ति दोहराती है कि मीरा के प्रभु तो गिरी को धारण करने वाले नगर के चतुर व्यक्ति श्री कृष्ण ही है, चरण ही कमल रखा है। जब वह अपने चरण कमलों में उस मीरा को रखेंगे तभी उसे शांति प्राप्त होगी। इस तरह से मीरा पूर्ण रूप से अपनी समर्पण भावना को श्री कृष्ण के प्रति यहाँ पर अभिव्यक्ति देती है। आप इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक भी।